नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव सबसे बड़े सर्वे के बारे में। अगर जो अभी चुनाव हुए हैं तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं और किस पार्टी की बन सकती है सरकार। आपको पता है फरवरी 2020 में चुनाव होने हैं दिल्ली विधानसभा को लेकर। टोटल 70 सीटें हैं जिन पर मतदान होने हैं और मुख्यमंत्री का सलेक्शन किया जाना है। वहीं बात करें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं पार्टियाँ लोक लुभावने वादे लेकर आ रही हैं, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बसों के किराए को फ्री कर दिया, महिलाओं को खुश करने के लिए बिजली को फ्री कर दी। वहीं पे बीजेपी भी कम नहीं है एक से एक बढ़ के एक वादे करने में। अब बता दें हम वोट शेयर के हिसाब से, अगर जो अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम वोट शेयर के हिसाब से बात करें तो टोटल 70 सीटें आती हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी को 43 यानी कि 43% वोट शेयर के साथ नंबर एक की पार्टी बन रही है। वहीं पर बीजेपी की बात करें तो 36 यानी कि 36% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें, जिसका खाता भी नहीं खुला था पिछले चुनाव में, तो वो 11% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन रही है। तो फिर से बता देते हैं वोट शेयर के हिसाब से, आम आदमी पार्टी 43% वोट शेयर के साथ नंबर एक की पार्टी है, वहीं बीजेपी 36% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी, वहीं कांग्रेस 11% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। वहीं अगर जो हम इन आंकड़ों को सीटों में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यानी कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आ सकती है। 43% वोट शेयर के साथ 40 सीटों में कन्वर्ट करने में कामयाब रही, यानी कि 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी 40 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 25 सीटें जीतने में कामयाब रही, और कांग्रेस जिसका खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है, अगर जो अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो। विधानसभा चुनाव दिल्ली से रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।